वेलकम गाइस, फिर से आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी हम बैग पैकिंग में हमारा देख रहे होंगे, ये है एक बैग, ये हमारे दोनों दोस्त हैं, ये हमको अभी छोड़ने आया। अभी हम नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट जाने वाले हैं हिचाइक करके। अभी यहाँ पर हाईवे पर खड़े हैं तो यहाँ से लिफ्ट लेंगे सीधा। अभी हम साउथ ईस्ट के लिए देखे, अभी लिफ्ट मिल जाए गाइस, तो 5 मिनट से लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे, लिफ्ट मिल नहीं रहा है। अभी तो देख रहे, अभी लिफ्ट ट्राई करते रहेंगे, देखते हैं कितना देर में मिलेगा लिफ्ट। गाइस तो देख रहे हैं पीछे एक ट्रक आ रहा है, ट्रक से अभी लिफ्ट लेंगे, देखते लिफ्ट देखता है इसमें। आगे तक छोड़ दोगे? नहीं, लिफ्ट नहीं मिला, नहीं रुके गाड़ी भैया। अभी तो गाइस फाइनली हमको लिफ्ट मिल गया है, यही भैया ने हमको लिफ्ट दिया। अभी ये देख दिया आज, वो भैया ने मुझे थोड़ी आगे तक लिफ्ट दे दिया था। अभी देखते हैं, अभी यहाँ से दूसरी लिफ्ट लेंगे हम। तो लिफ्ट नहीं मिल रही है, थोड़ा देर से ट्राई कर रहे हैं बट लिफ्ट मिल नहीं रहा है। देखते हैं, अभी हो गया 10 मिनट से लिफ्ट नहीं मिल रहा, ट्राई तो कर रहे हैं सबसे। बाइक वाले आ रहे, बाइक से लिफ्ट लेते हैं, लिफ्ट मिल ही नहीं रहा है सबसे। अभी लिफ्ट लेने का कोशिश कर रहे हैं बट लिफ्ट मिल नहीं रहा है। गाइस तो हम NH57 पे आ चुके हैं, तो अभी हम आगे थोड़ा जा रहे हैं। यहाँ पर अभी ट्रक नहीं रुकेगी तो थोड़ा आगे जाके लिफ्ट लेंगे ट्रक सबसे। वहाँ पे आधा घंटा रुके, लिफ्ट नहीं मिल रही थी तो बस पकड़ के NH57 पकड़ लिया। अब यहाँ पर कोई ना कोई लिफ्ट जरूर मिल जाएगी। अब हैदराबाद जाना 1600 समथिंग कुछ किलोमीटर पड़ता है, जाने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। अब हम लिफ्ट मांगते हैं, देखते हैं मिल जाएगी। नहीं रुकी, ट्रक गया अभी, नहीं रुकिया, देखते अभी ट्राई करते रहेंगे। आगे तक नहीं रुकिए भैया, अभी देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं, रुकता है कि नहीं रुकता है देखते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, लिफ्ट मिल नहीं रही है। आई विल ट्राई, मैं देखता रहता हूँ। भैया ने कहा बाइक तो रोकी हुई, भैया पास में ही जा रहे थे 1 किलोमीटर के पास में, इसलिए मैंने नहीं लिफ्ट लिया उनसे। ट्राई करता हूँ दूसरे से। अब तो भाई चुप, गाड़ी भी नहीं रुक रही है, भूख ही लग रही है बहुत देर से। तो ये मैं घर से चुप लाया था, अभी ये मैं नाश्ता कर लेता हूँ, नाश्ता करके पानी पी लेता हूँ, तब फिर रिचार्ज करूँगा। आज आधा घंटा के बाद हमको लिफ्ट मिली है, यही दोनों भैया ने हमको लिफ्ट दिया है। भैया आपका नाम क्या है? मंजू कुमार। मंजू कुमार इनका नाम है, आपका नाम? गोकुल। इनका नाम गोकुल है। ये हमको मुजफ्फरपुर तक के लिए लिफ्ट दिए हैं, फिर वहाँ से फिर हम आगे के लिए लिफ्ट लेंगे। देखते नागपुर तक डायरेक्ट अगर मिल जाता है नागपुर तक का तो अच्छा ही रहेगा, जितना जितना दूर तक मिलता रहे लेते रहेंगे। आज फाइनली वो भैया हमको मुजफ्फरपुर छोड़ दिया। अभी हम मुजफ्फरपुर हाईवे पर 57 पे ही है। अभी हम यहाँ से लिफ्ट लेंगे आरा के लिए। अभी आरा तक के लिए लिफ्ट लेंगे, तो देखिए लिफ्ट के लिए ट्राई करते हैं अब हम। फाइनली ये भैया ने हमको लिफ्ट दे दिया है। तो
गाय जो भैया ने थोड़ी दूर छोड़ दिया, आगे 10 किलोमीटर आगे छोड़ दिया बाइक वाले भैया ने। अब यहाँ से देखते हैं लिफ्ट कितने दूर के लिए फिर मिलती है। अभी तो छोटा छोटा लिफ्ट मिल रहा है, दूर का अभी ज़्यादा दूर का तो लिफ्ट मिल रहा नहीं, एक ही बार मिला 30 किलोमीटर का। अब देखते हैं कितना दूर का मिलता है, लिफ्ट का ट्राई करते हैं, देखते हैं। एक भाई ने हमको गरखा मंदिर के पास छोड़ा, तो फिर वहाँ पे ये भाई मिले, फिर इनसे हम पूछे कि यहाँ पे कोई रहने का जगह है, तो उन्होंने बोला कि हाँ है धर्मशाला के पास, तो धर्मशाला लेके आए हैं यहाँ पे रहने के लिए। तो आज रात हम यहीं स्टे करने वाले हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या जब धर्मशाला में रुके थे तो वही भैया ने मेरे को इन्वाइट करा खाने के लिए, वही अपने वहाँ के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा भेजे थे, जाइए खिला दीजिएगा, तो वेज खाना ही हमारा, रोटी है चार, रोटी तड़का सब्जी या ऑनियन मिर्ची है, यही हमारा खाना है आज रात का। आज हम रुके कहाँ, आ रहे थे 30 किलोमीटर पीछे घर का, वहाँ पे आज हम रुके थे, कल सुबह में निकलेंगे धर्मशाला से और खाना स्टार्ट करते हैं। देख रहे ये रात हो गया, अभी हम धर्मशाला में रुके हैं, अभी हम खाना खा के आ चुके हैं। ये रहा हमारा बेड, टेंट रहा यहीं, इसी में आज हम सोने वाले हैं। यही जो दादा दी है यही हमको आज बहुत हेल्प किया, यही खाना खिलाने ले गए तो भैया जो पैसा दिए थे यही ऊपर लाए, अभी हम यहीं पे सोएंगे। ये भी रात में अपना यहाँ पे बेड बिछा के नीचे में अपना सोएंगे। अब हम ब्लॉग एंड कर रहे हैं, पार्ट 1।